अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों और बच्चियों। उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। तो शुक्र है अल्लाह का, हम भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और खुशियाँ देखना नसीब करे। हमेशा खुश शाद आबाद रहें, खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा हरे मसाले वाला शलजम गोश्त। इसमें ये देखिए, दो मैंने प्याज काट लिए हैं, ये देखिए सारे मैंने काट के धो के रख लिए हैं। दो मैंने शलजम लिए हैं और दो अदर टमाटर लिए हैं और हरी मिर्चें लिए हैं और लहसुन अदरक और खुश्क धनिया साफ डाल के ये मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। इसी में ही मैं टमाटर और ये प्याज भी सारा पीस लूँगी। ग्राइंड नहीं कर रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाता है, ऐसे हाथ से कर रही हूँ ताकि इसका जायका भी अच्छा आएगा और ये बहुत ही मज़ेदार और यमी सा बनेगा। तो ये देखिए शलजम भी मैंने ले लिए हैं, धो के छील के रख लिए हैं। इसको इस तरीके से काटेंगे, मोटे मोटे ही, बहुत बारीक नहीं करने हैं आपने। देखिए इनको जब सारी भुनाई हो जाएगी, और आधा किलो मेरे पास चिकन का गोश्त है, ये देखिए ये इस तरह से आपने मोटे मोटे काटने हैं, बारीक नहीं काटने। ये देखिए इस तरीके से काट के आपने रख लेने हैं। और ये सारे मसाले मैं पीस लेती हूँ, तो फिर मिलते हैं आपके से। तो देखिए ये हमारा, मैंने जो मसाला पीस के रखा था इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हमें इसमें मिक्स करेंगी ये गोश्त, आधा किलो मेरे पास गोश्त है। देखिए अच्छी तरह मैंने धो के तो साफ कर लिया था। इसको दो मैंने बुनाई करके तो फिर इसमें शलजम डाल दूंगी। इस तरह अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करके, रेड मिर्चें नहीं डाली मैंने, इसमें सिर्फ ग्रीन मसाला ही है। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा शलजम और गोश्त का। देखिए इसको अच्छी तरह भुनाई करके तो फिर इसमें मैं शलजम ऐड करती हूँ, डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से कुछ मैंने इसके पीस काटे हैं, ये देखिए ऐसे मोटे मोटे काटने हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करके तो फिर इसमें थोड़ा सा गिलास, दो गिलास पानी लगाएंगे ताकि ये गोश्त भी अच्छे तरीके से डाल जाए। लेकिन 10 मिनट इसकी बनाई करेंगे, उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। हरी मिर्चें, हरा धनिया कुछ मैंने पीस के डाला है, तो ऊपर से शोरबा जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हैं। देखिए ये कैसे मसाला पिसा हुआ था हाथ का, तो ये कैसे इसके साथ लग गया। ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ऐसे बना के देखिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं, बच्चे भी शौक से खाते हैं। इस तरह से बनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये पूरा कप भर के पानी का, हल्की आँच से गल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हल्की आंच पे रख दूंगी और ये बनते रहेंगे, जब पक जाएंगे तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो और शलजम बन के तैयार है, ये देखिए ये हमारा शलजम और गोश्त बन के तैयार है। ये देखिए ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं, ये देखिए। ये आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिएटिव MM। इसके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे हरे मसाले वाला सालन आपको कैसे लगा है, चिकन और शलजम। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।